हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस, तो आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत समृद्ध रहें, खुश रहें। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माया राहुल व्लॉग्स में। और अभी शाम का समय होने जा रहा है, शाम होने जा रही है अभी। तो अभी मुझे पास में ही शॉप में जाना है, ज्वेलर्स में जाना है, और दिसु की जो छोटी छोटी बालियां थी ना, उसे चेंज करवा के मुझे उसके लिए छोटे छोटे ही, मतलब चिपके हुए जो होते हैं ना कान से लगे हुए, वैसे छोटे छोटे मुझे उनकी उसके लिए टॉप्स बोलेंगे या क्या जो भी बोलते होंगे, तो वो मुझे लेना है। तो उसी के लिए मैं अभी दिशा के साथ जाऊंगी। और कुछ ज़्यादा हम नहीं लेंगे धनतेरस के लिए, तो बस वही लेना है। और कुछ और अगर मैं देख ली और मुझे लगा कि घर के लिए जरूरी है तो वो मैं ले आऊंगी, और आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा ना, क्लीनिंग का, तो लगातार क्लीनिंग हो रही थी घर की, साफ सफाई चल रही थी। और कुछ तो दिखाया मैंने आप लोगों को और कुछ नहीं भी दिखाया, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा क्या दिखाना है ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बस एक दो वीडियो मैं उसके ऊपर बनाई हूँ, लेकिन घर को साफ करने के लिए पूरा जो काम होता है ना, उसमें 5-6 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यही सब हो रहा था, और शाम को नहाना हो रहा था लगातार लगातार, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। और कल मैं बाल भी धो लिया मैंने कल, तो इसलिए और ज़्यादा, और मुझे कोल्ड हो गया है। तो जैसे कोल्ड होता है ना, तो सर बहुत ज़्यादा भारी लगता है, और वैसे ही हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी वजह से मेरी आवाज़ से भी आप लोग जान रहे होंगे, मतलब समझ पा रहे होंगे, तो इसी तरह से है। और मन तो हो रहा है कि बिल्कुल लेट जाऊं, आराम करूं, लेकिन ऐसा अभी संभव ही नहीं है, क्योंकि त्यौहार है सामने और बहुत और भी काम है छोटे छोटे, तो इसलिए। और आज भी मैं बहुत लेट नहाई हूँ, 3 वही 2:30 तो बच ही गए होंगे नहाते तक। तो छोटे छोटे बहुत सारे काम ना रह ही जाते हैं, तो वो सब करना था। और ये जो पीछे बैग रखे हैं ना, वो गर्म कपड़े के हैं, तो इग्नोर करिए उसको। तो फिर चलिए मैं अभी जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर आके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं तब तक की। और हाँ, जतिन का बाल देखे थे ना कि बहुत बड़े बड़े थे, तो दिशा को मैं उसके साथ भेजी थी बाल कटवाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से हम राजी किए उसको। तो चलिए देख लीजिए उसको भी, तब तक मैं होके आ जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आने के बाद। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से, जतिन का बाल देख रहे हैं कितने लंबे हो चुके हैं, लेकिन ना इसे अपने लंबे बाल, मतलब इसे इसको ना अपने बाल बहुत पसंद है, तो इसलिए कटवाता ही नहीं, और बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं ये, मुझे अच्छा नहीं लगता और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दिशा वही बोल रही है, देखो मम्मा इसके बाल कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो बस दिशा जाएगी अभी साथ में इसके, बोलूंगी इसको थोड़ा इंसान टाइप का हेयर कट दे दो। तो दिशा ही ले गई थी, पता नहीं कौन से सैलून में ले गई थी। तो ये धोने, बालों को धोने के बाद सुखा के फिर कटिंग करते हैं, तो वही हो रहा है। और बहुत मुश्किल से हमने इसे मनाया है, तो लेकिन फिर भी ये ना जतिन जो है अपने बाल को बड़ा ही रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा छोटा नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी उससे तो अच्छा है जो पहले था। तो इस तरह से है। और यहाँ पर वो मैं बाली दिखा रही हूँ जिसकी बात मैं कर रही थी ना, दिशा की बाली जो बहुत पहले की है, जब वो बहुत छोटी थी तब से ये बाली है उसके पास, तो बस इसे ही चेंज करना है मुझे। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सिंदूर लेकर आई हूँ मैं, तो इसे मैंने खोला है, तो ऐसा है ये सिंदूर, और इसका कलर ये इस तरह से है, रेड मैरून है, बहुत सुंदर कलर है ये, और ये वाटरप्रूफ भी है, तो ये सिंदूर मुझे अच्छा लगता है, मैं ये लेकर आई हूँ। और साथ में मैं ये सूखा वाला सिंदूर भी लेकर आई हूँ त्यौहार, और कभी कभी मुझे ये सूखा पाउडर वाला सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये लेकर आई हूँ ये। और दिशा अपने लिए लेकर आई है ये जॉनसन बेबी पाउडर, कभी कभी वो लगाती है और उसको ये पसंद है, तो ये वो लेकर आई है। और मैं लेकर आई हूँ ये जो ग्लिसरीन है ना, ये लेकर आई हूँ, क्योंकि इसका मुझे मॉइस्चराइजर बनाना है, और मैं जब बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि
जो हम महंगे महंगे से महंगा जो मॉइस्चराइजर खरीदते हैं ना तो और यूज़ करते हैं, वैसा ही इफेक्ट इसका आता है। इसमें लेमन जूस और रोज़ वाटर ऐड करके इसको बनाती हूँ, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, तो बनाऊँगी शेयर करूँगी। ये अच्छा लग रहता है ये ठंड में। और जो बहुत ही खास चीज़ थी आज लेने गई थी जिसु के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने बाली तो देख लिया ना, छोटी छोटी बालियाँ थी उसके पास जब वो छोटी थी ना बहुत, तब से बालियाँ थी उसके पास वो वाली, और वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन दिशा को फिर इस तरह का चाहिए था तो ये मैं ये लेकर आई हूँ। तो आप लोग ये देखिएगा इस तरह से है छोटा छोटा, तो इसे मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटा सा है और उसे ऐसा ही चाहिए था, और जो वो बालियाँ थी ना वो 6000 कुछ की हुई थी, और ये है ये 3800 का था। मुझे ये लग रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत ना रहे और आ जाए उसी के अंदर 6000 के, लेकिन इतना कम भी नहीं सोची थी मैं, मुझे लगा कि 5000 5500 तक आ जाता, लेकिन उनके पास वो था नहीं, या तो इस तरह से था या तो फिर बड़ा था, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा और जिस वक्त तो ये पसंद भी आया। तो हमें जो डिज़ाइन दिखाया गया इस साइज़ का, तो इसमें उसी में हमें ये चूज़ करना पड़ा, तो हम ये ले आए। और उसके बाद फिर मैं ये अमरूद लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो और साथ में पूजा का सामान लेकर आई हूँ, लेकिन कुछ पूजा का सामान जो हम लक्ष्मी पूजा के दिन ही लाए थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। और साथ में मैं ये लेकर आई हूँ चाय की छन्नी, एक स्टील वाली रखी है जिसमें दूध छान लेंगे। पहले क्या होता था, चाय और दूध एक ही छन्नी से छानते थे, तो अभी ये लेकर आ गई हूँ, ये 10 रुपये का है। और ये पूरी छानने वाली छन्नी मेरे पास नहीं थी ना, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ, तो ठीक लगा मुझे ये। और ये 2 स्टैंड लेकर आई हूँ, बर्तन रखते हैं ना गर्म बर्तन, तो उसके लिए मैं ये 2 लेकर आ गई हूँ। और दिया लेकर आई थी, तो दिया को आते ही मैंने पानी में भिगा दिया है, क्योंकि जैसे ही हम पानी में 1 घंटा रखते हैं तो वो क्या है तेल को सोखता कम है, तो इसलिए उसे पानी में रखा जाता है। और एक मॉप लेकर आई हूँ, क्योंकि आप जानते ही मैं जिसमें पोछा लगा रही थी जिस मॉप में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो वो लेकर आई हूँ। वैसे भी धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाते हैं लोग, तो मेरे पास झाड़ू था तो मैं मॉप लेकर आई हूँ। तो इतनी ही ख़रीदारी थी मेरी आज की जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और चलिए इसके बाद मुझे किचन में जाना है, मेरा किचन पूरा मैसी पड़ा हुआ है, और फिर मुझे साफ़ करना है और फिर खाना भी बनाना है और फिर पूजा की तैयारी करनी है। तो पूजा मैं कुछ खास तो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ 13 दिया जो जलाते हैं वो जलाते हैं हम, तो बस वही करना है और फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं हम किचन में। तो चलिए किचन में जाने से पहले मैं इसे बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है छोटे छोटे टॉप्स जो दिसु के लिए हमने लिया है, लेकिन मुझे अगर ये पूरा भरा होता ना तो अच्छा लगता, लेकिन क्या करें ऑप्शन नहीं था और हम फिर मार्केट भी नहीं गए इस चीज़ के लिए। और दिसु को पसंद था तो उसने पहन के भी थोड़ा सा ट्राई किया, मतलब देखा है कि कैसा लगेगा, तो ठीक है अगर उसको पसंद है तो। तो इसके बाद मैं किचन में गई, वहाँ पूरा किचन साफ़ की, फिर बर्तन साफ़ करी, उसके बाद मैं यहाँ पर ये आटे का जो दिया है वो बना रही हूँ। तो आज के दिन कच्चे मिट्टी का जो दिया होता है ना वो भी जलाते हैं और आटे का भी बनाते हैं, तो मैं आटे का दिया बना रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे 13 दिया बनाना है, तो वही मैं बराबर भाग में बांट रही हूँ इसे, और फिर पेड़े जैसे बना के फिर दिया का सेप इसे देना है, तो वैसे ही बना रही हूँ। और कुछ सालों से मैं आटे का दिया ही जलाती हूँ, पहले हम मिट्टी का ही जलाते थे, फिर मुझे किसी ने बोला तो फिर मुझे भी अच्छा लगा और मैं आटे का ही बनाती हूँ। और यहाँ पर राहुल अभी आ रहे हैं, सुबह से गए थे तो इनको कुछ काम रहा होगा तभी बहुत लेट आए हैं, और अभी कुछ दिनों से वैसे ही आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, 7 तो बज ही गए हैं, तो वैसे ही आ रहे हैं और फिर कुछ काम है शायद इनको बहुत ज़्यादा इसलिए, और मैं वही पूछ रही हूँ, वही बता रहे थे वो कि क्यों लेट हुआ। तो बस यहाँ पर मैं दिया बनाती हूँ और उसके बाद लगाएंगे, और ये सब होने के बाद मुझे खाना भी बनाना है तो टाइम लगेगा, और मुझे ठीक नहीं लग रहा है जैसे कि मैंने बताया, और आप मेरी आवाज़ ना बहुत अजीब सी आ रही है, मुझे खुद को अच्छी नहीं लग रही है और गले में बहुत ज़्यादा खराश है, तो मुझे आज काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। तो बहुत ही अजीब, मतलब ये जो कोल्ड होता है ना सर्दी, बहुत बहुत बेकार सी लगती है मुझे, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी,
मन नहीं लगता किसी काम में, तो वैसे ही हो रहा है। लेकिन अभी देखिए ना, बाहर सामने इतना बड़ा त्योहार है और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं बस वही सोच रही हूँ कि कैसे जल्दी ठीक हो। तो चलिए ये दिया हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे दिए मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसे हम तेल और बाती से भर देंगे और उसके बाद इसे प्रज्वलित करेंगे। और यहाँ पर आ गई है मेरी बिटिया रानी और वही दिए जला रही है अभी। और बाहर उसने बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाया है। और मैं क्या करती थी कि रंगोली ना बना के जो दी सॉरी चावल का आटा जो होता है उससे जो चौक बनाते हैं ना, वैसे बना के फिर 13 दिए एक साथ रखती थी। लेकिन इस बार दिसु ने कहा कि हम अलग अलग रखेंगे जैसे दीपावली में रखते हैं, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, चलिए ठीक है अगर उसको इस तरह से पसंद है तो मैं ठीक है रखने देती हूँ। तो फिर देखिए ये है रंगोली, बहुत कम समय में अच्छा बनाई है दिसु। और ये बाहर है तो अच्छा लग रहा है और इस तरह से दिए रखती जा रही है तो अच्छा लगता है, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिसु बहुत इंटरेस्ट लेती है इस चीज़ में। तो और चलिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप सबको फिर से एक बार हैप्पी धनतेरस। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा।